हेलो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आज हमें क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है आप लोगों की पुरजोर डिमांड पर मुझे अल्किन के रिएक्शंस दोबारा मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन द रिएक्शन ऑफ अल्किज ऑन योर डिमांड बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स एट दैट डे कंप्लेंट एंड सेट दैट द वीडियो विच आई हैव मेड फॉर यू एज़ फार एज़ रिएक्शन ऑफ अल्किज आर कंसर्न आर क्वाइट बिलर और उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था तो आज हम एक दफा फिर दोबारा इस वीडियो को बनाएंगे आपके लिए डिटेल बनाएंगे रिएक्शन ऑफ अल्किस द लेटेस्ट वर्जन वर्जन 2021 ट्वेंटी वन ऑल राइट स्टूडेंट तो शुरू करते हैं एज द टॉपिक इज यू नो दैट रिएक्शन ऑफ अल्की जल्दी से एक क्विक रिविजन दूंगा रिएक्शन ऑफ अल्कीन एज ऑल ऑफ अस नो दैट अल्कींस आर सेट टू बी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर सेट टू बी अनसेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन वेयर एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट जनरल फार्मूलाइज सी एन एच टू एन जनरल फार्मूलाइज सी एन एच टू एन एंड नेमिंग कन्वर्ट्स फ्रॉम एन टू इन फ्रॉम एन टू इन एंड होमोलोगरीज ऑफ अलगिनटार्ट विथ इथीन स्टार्ट विथ थिन जनरल फार्मूला सी टू एच फोर द मोल्यूलर फार्मूला ऑफ इथिन इज सी टू एच फोर देन प्रोपीन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिन फॉर्मूला इज सी थ्री एच सिक्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ब्यूटीन सी फोर एच एट वन टू फोर अब डबल बोन अगर यहां पर आएगा तो इट इज वन ब्यूटीन और यहां आएगा तो इट इज टू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दिस इज द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ सीरीज़ ऑफ टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ अल्किन से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वन डबल बोन मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन दे आर कॉल्ड अनसेड बिकॉज हाइड्रोजन आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड फुल्ड हाइड्रोजन आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड बाय कार्बन कार्बन के साथ फुली लोडेड हाइड्रोजन नहीं है दैट इज वाई दे आर सेट टू बी अनसेचुरेटेड इसलिए हमें एक सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस मेन अल्केन रिएक्ट दे गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं विथ क्लोरिन वेन मिथेन रिएक्टेड विथ रिएक्टिंग विथ क्लोरिन रूम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होने वाला नहीं है वी नीड अल्ट्रावास क्लोरोन बनेगा और एच सी एल बने बाय प्रोडक्ट बनेगी और यह मोनोक्लोरी अगेन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन डाइक्लोरोन ट्राइक्लोरो रिएक्शन ऑफ अल्किन ऑल गेम प्लेड बाय प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन तो अल्कीन गिव्स याद रख लो अल्कीन गिवस एडिशन रिएक्शन अल्केन अल्किन एडिशन रिएक्शन मतलब डायरेक्ट रिएक्शन यहां पर हमें अल्ट्रावायलेट रेस की या हार्श कंडीशन की जरूरत नहीं है रूम टेम्परेचर पर बड़ी आसानी रूम टेम्परेचर पर बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाते हैं लुक एट द एग्जाम्पल ये आपके पास ये आपके पास इथिन ये आपके पास इथीन सी टू एच फोर डायरेक्ट रिएक्टिंग विथ क्लोरीन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एक्स्ट्रा बॉन्ड ब्रेक ऑलरेडी यहां पर दो हाइड्रोजन थे दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक बॉन्ड खुल जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो जाएगी तो दिस इज थीन दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज दिस इज वन टू डायक्लोरोन नाउ फ्रॉम इथीन टू इथेन वन टू डाइक्लोरोन इसका प्रॉपर नेम ये है ठीक है तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड यू नो दैट क्लोरिन बिलोंग्स टू हेलोजन क्लोरिन बिलोंग्स टू हेलोजन तो दिस इज दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन ऑफ हेलोजन और हेलोजेनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन और हेलोजेनेशन करो तो दिस इज एडिशन रिएक्शन इसी तरह अगर हम इसी इथीन को इथीन को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे रिएक्शन विद ब्रोमीन तो हमें क्या मिल जाएगा वन टू ब्रोमो इथेन क्या मिलेगा वन टू डायब्रोमो इथेन वन टू ब्रोमो इथेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज फार एज रिएक्शन ऑफ अल्किज आर कंसर्न देखो हम जानते हैं कि जो ब्रोमीन है उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है कलर इज रेडिश ब्राउन वेन दिस इथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन, वी विल विल वी विलब्रोमो इथेन विप वन टू डायब्रोमो इथेन और ये ब्रोमिन डी कलराइज हो जाएगी ये रेडिश ब्राउन कलर डी कलराइज हो जाएगा और ये जो डी कलराइज हो जाएगा और जो कंपाउंड है वन टू डाइब्रोमो इथेन इट्स बिकम कलरलेस तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज फार एज इफ यू वॉन्ट टू डिस्टिंगज बिटवीन अल्केन एंड अल्किन बिटवीन अल्केन एंड अल्किन बिकॉज अंडर नॉर्मल कंडीशन अल्केन के साथ ये रिएक्शन नहीं होने वाला ब्रोमिन क्लोरिन और अदर एलोजन डू नॉट रिएक्ट विथ अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन तो ब्रोमिन डी कलराइज नहीं होती बट एज सुन एज यू रिएक्ट िस ब्रोमिन रेडिश ब्राउन विथ एनी अल्किन इट्स बिकम डी कलराइज ड्यू टू द नेचर यहां पर ब्रोमिन थी रेडिश ब्राउन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ में आ ethane, और ब्रोमिन की मॉलिकुलर बॉन्डिंग ब्रेक हो गई इट्स बिकम वन टू डायब्रोमो इथेन और इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसका रेडिश ब्राउन कलर वो डिसअपियर हो जाएगा इस रिएक्शन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं इफ यू कलरलेस, ओडोरलेस गैसेज हैं और आपको फर्क पता लगाना है कि विच इज सेचुरेटेड विच इज वन, तो जस्ट यूज ब्रोमीन। और जो इसका रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपेयर कर देगा वो अल्कीन होगी ठीक हो गया तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलोजन रिएक्शन है हेलोजनेशन एडिशन रिएक्शन है यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप यूज कर सकते हो ब्रोमिन क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर होता है और अल्केन में उसका कलर जब वो अल्किन बनाती है तो कलर डिसअपियर हो जाएगा तो ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश करने के काम आता है बिटवीन अल्केन एंड अल्किन तो ये इसका एक एडिशन रिएक्शन था कोई एक्स्ट्रा कंडीशन की ज़रूरत नहीं है कोई टर्मल चेंज करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलोजेनेशन कहलाते हैं दीज रिएशन आर कॉल्ड हेलोजेनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन एंड कॉल्ड हेलोजेनेशन कॉल्ड हेलोजेनेशन रिएक्शन डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन है एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी मैं भूल रहा हूँ उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर हाँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो भी पॉली होते हैं मल्टीपल बॉन्ड होते हैं मल्टीपल दस बीस तीस तो जैसे ही आप उन पॉलिसेटेड ऑयल्स को ब्रोमीन ऐड करेंगे यहां पर भी ब्रोमीन का कलर हो जाएगा ब्रोमीन बिकम कलरलेस तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्किन का ठीक है अब इसका एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रो जेनेशन रिएक्शन हाइड्रोजेनेशन रिएक्शन सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास इथीन है या कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन को लगाए इसमें आप और जो इथीन थी वुड बी कन्वर्टेड इन टू थेन वुड बी कन्वर्टेड इन टू थे प्रोपिन टू प्रोपेन ब्यूटीन टू ब्यूटेन पेंटिन टू पेंटेन अनसेटेड सेचुरेटेड सारे बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गए यहां पर यह इसका सिंपल सा रिएक्शन था तो इन दिस रिएक्शन निकिल यूज ज ए केटलिस्ट एंड टेम्परेचर नीडेड विच इज अराउंड वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तो निकिल यूज एज ए केटलिस्ट टेम्परेचर अराउंड वन फिफ्टी डिग्री विल भी कन्वर्टेड इन टू इथेन निकल यहां पर एज ए केटेलिस्ट यूज होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है निकिल का कि वो इस हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेगा ऑटोमिक हाइड्रोजन में निकिल एज वी नो दैट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिशन मेटल है एडजॉर्ब हाइड्रोजन adsorb hydrogen in the molecular form and giving bed in the atomic form this hydrogen actually attack on this double bond bond another bond the pi bond will be break down and ethene converted into ethane reaction is very very important as, as far as synthetic organic chemistry synthetic industry is concerned because from this reaction we can convert polyunsaturated we can convert poly unsaturated वेजिटेबल 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 ऑयल इनटू बनस्पति घी इनटू बनस्पति घी और वी कैन कन्वर्ट बटर इनटू मार्जरीन नॉट बटर इनटू मार्जरीन पोली अन वेजिटेबल ऑयल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं मार्जरीन में और बनस्पति घी में तो ये पैरामीटर हैं यहाँ पर निकल यूज एज द केटल अराउंड टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर यूज़ करते हैं हाई प्रेशर आल्सो नीडेड हाई प्रेशर एंड अनसेचूरेशन कन्वर्टेड इनटू सेचुरेशन इथिन टू इथेन प्रोपीन टू प्रोपेन ब्यूटीन टू ब्यूटेन तो ये था इसके दो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड हेलोजेनेशन रिएक्शन बाई मीन्स ऑफ एडिशन यहाँ पर हेलोजें और हाइड्रोजन डायरेक्ट एड होती हैं और अल्किन कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स में कितना टाइम हुआ nine, nine minutes, और ten वो ten. कितने मिनट की थी फोर मिनट ठीक हो गया अब एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के प्रोडक्शन रिएक्शन विथ वाटर रिएक्शन विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं रिएक्शन विथ स्टीम रिएक्शन ऑफ स्टीम मेकिंग ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल देखो जब हम इथिन को वैन इथिन वैन इथिन वैन इथिन रिएक्टेड विथ ओ सॉरी वैन इथीन रिएक्टेड विथ वॉटर वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड यू नो दैट इथिन इज ऑल्सो अ गैस स्टीम अंडर डिफरेंट कंडीशन कंडीशन बिकम वेरी वेरी हार्श हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नीडेड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर नीडेड हाँ साई जी स्टूडेंट तो इथिन गैस प्लस फॉर्म में वाटर स्टीम यहाँ पर कंडीशन आपको लगानी पड़ेंगी अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी ए टी एम और 200 हंड्रेड टू टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठीक है इथिन रिएक्टिंग विद स्टीम 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सिक्सटी ए टी प्रेशर और यहाँ पर कैटेलिस यूज होगा फास्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर फास्फोरिक एसिड यूज एज है केटलिस एंड द प्रोडक्ट बिकम इथीन टू इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच अल्कोहल बन जाएगा इथेनॉल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल लाइक दिस दिस इज इथेनॉल इथिन अगेन बता रहा हूं गैसवस फॉर्म रिएक्टिंग विथ वॉटर अंडर द हाई प्रेशर ऑफ 60 एटीएम फास्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड यूज एटिकल एटेलिस्ट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड इथेनॉल प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, ब्यूटीन टू ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन ये बन गया इथाइल अल्कोहल और स्टैंडर्ड नेम इज इथेनॉल हम आपको अगली पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हो आप पीछे लेक्चर में पढ़कर आए हो हमने भी पढ़ाया है बायोलॉजी में पढ़ाया कि इथिन से इथेनॉल बनता है ये प्रोसेस है अब एक और इथेनॉल बनता है जो आप फर्मेंटेशन से बनाते हैं याद करें वहां पर इंजाइम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फ्रॉम स्टार्च और शुगर से बनाते हैं हम ये वो जो इथेनॉल बनता है वो यूज़ होता है मोस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर बेवरेजेस प्रोसेस वस्की बेयर शराब में यूज़ होता है आसान और बता दूँ हमारे यहाँ मुसलसल तौर पर कुल्लू मुस्तकिल हराम है उस अल्कोहल को और इस अल्कोहल में फ़र्क है ये अल्कोहल एसिडिफाइड हो गया ये अल्कोहल एसिडिफाइड हो गया पॉइजनस हो गया हम इसको यूज़ नहीं कर सकते फॉर बेवरेजेस पर्पस। वी कैन नॉट यूज़ दिस अल्कोहल इन बेयर विस्की एंड शैम्पेन रम वग़ैरह में द अल्कोहल विच कैन ओनली मेड बाय विच ओनली मेड बाय फर्मेंटेशन कैन ओनली बी यूज इन बेवरेज परपजेज दिस अल्कोहल कैन नॉट ड्यू टू द पॉइजनस नेचर एसिडिक नेचर ऑफ दिस अल्कोहल अब ये अल्कोहल क्या यूज कहाँ यूज़ होता है दिस अल्कोहल कैन ओनली बी यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंडस्ट्री जहाँ पर ये एज ए सॉलवेंट यूज़ हो रहा है ये रेजिन को डिज़ोल्व कर लेता है बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को जिनको वाटर डिज़ोल्व नहीं करता उनको ये डिज़ोल्व कर लेता है तो माई डियर स्टूडेंट एज़ फार एज़ यूर सिलेबस इज कंसर्न ओवल फाइव जीरो सेवन ज़ीरो और जो दूसरा टू जीरो है आई जी सी ए सी जी सी ए सी और जो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जर्नल ये था रिएक्शन ऑफ अल्किस जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हेलोजन एंड एडिशन ऑफ वाटर मेकिंग ऑफ अल्कोहल रिएक्शन विद स्टीम एडिशन रिएक्शन थे अल्कोहल बन गया अब इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करें पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करें मुझे व्हाट्सएप करते रहें इनशाला आपको ये रिएक्शन हमने तमाम कर दिया अब हम कल जो आपको लेक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है सीक्वेंस में चल रहे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक एसिड पर बनाएंगे और आपको एक ट्यूटोरियल हम अलग से रेडॉक्स के ऊपर भी बना कर देंगे उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो वेरी मच गॉड ब्लेस यू अली अली